क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेटने में दिक्कत हो रही है? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरहाना चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सरहाना। फ्रेंड्स, आज के सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोने से आपका बेबी अच्छा रहेगा, बेबी का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, आपको बैक पेन नहीं होगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो एक माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चे को अच्छे से रखने के लिए। बहुत सारा सवाल पेशेंट करते हैं डॉक्टर से कि मैं साइड से सो नहीं पाती, मैं सीधा सोती हूँ, तो इससे क्या मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगा या नहीं। दूसरा सवाल कि मैं उल्टा सोती हूँ, सीधा नहीं सो पाती, तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगा। तीसरा सवाल, क्या मुझे साइड होके सोना चाहिए। इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब मिलने जा रहा है आपको। कौन सी स्लीपिंग पोजिशन आपके लिए अच्छा है वो मैं बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप कौन से पोजीशन में सोते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पोजीशन में सोना चाहिए। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको बहुत सारे दिक्कतें आती है, उनको पेन होता है, बैक में पेन होता है, उनको पैर में सूजन होती है, इंफ्लेमेशन होना, उनको वोमिटिंग होती है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से बचने के लिए और अपने बेबी का ग्रोथ को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप सीधा होकर लेटे हुए हैं, तो इसका क्या नुकसान है पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है, आप सीधा सोने से बेबी का जो वेट है, बेबी का जो वजन है, वो आपके बैक साइड में आ जाती है, और बेबी का जो वेट है वो आपके ब्लड वेसल्स पे आ जाती है, और आपको बैक पेन होना स्टार्ट होती है। सीधा सोने से बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिल सकता है, आपको गैस हो सकती है, आपको उल्टियाँ आ सकती है, आपको बैक पेन ज़्यादा हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और बेबी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, आपको साइड होके लेटना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट में सोए या फिर राइट में सोए। लेफ्ट या राइट में सोने से बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और ब्लड सप्लाई भी अच्छे से मिलता है, और आपको भी बैक पेन कम होगा, आपको भी उल्टियाँ कम होगा। फ्रेंड्स, कभी कभी लीवर में प्रेशर पड़ने से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, अगर आप सीधा ही सोते हैं, आप साइड में नहीं सो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, साइड से लेट जाना है, दोनों जो नी है उसके बीच में एक पिल्लो रख के, ऐसे जैसे कि ये दोनों नी है और आप साइड से लेटे हुए है, दोनों नी के बीच में एक पिल्लो रख के आराम से आप सो सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है प्रेगनेंसी के टाइम, तो आपको क्या करना है, रात को जब आप सोते हैं, इससे पहले आधा घंटा पहले आपको थोड़ा गुनगुना गर्म पानी से नहा लेना है, और एक ग्लास गर्म दूध पी लेना है आपको। गुनगुना गर्म होना चाहिए, इतना भी गर्म नहीं, तो वो पीने के बाद आपको सो जाना है और आपको अच्छी नींद भी आएगी। आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड में ऐसे सोने से आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा होगा, आपका बेबी हेल्थी रहेगा और बेबी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, और आप कैसे सोते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे को अच्छे रखने के लिए, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आपका बच्चा हेल्थी रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।